मिर्ची बॉलीवुड। अगस्त को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने पहले दिन ही 25 करोड़ 25 लाख रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। इसी के साथ ये फिल्म अक्षय के करियर की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि फिल्म थर्सडे को भी जबरदस्त कमाई करेगी, लेकिन गोल्ड को दूसरे दिन उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अक्षय की फिल्म गोल्ड की कमाई दूसरे दिन कम हो गई है। माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते शाम के शोज फुल नहीं हुए। खबरों की माने तो दिल्ली और आसपास के शहरों में इस दुखद खबर के बाद थिएटर्स में लोगों का कम ही क्राउड नजर आया। बता दें कि थिएटर एनालिस्ट सुमित खांडेल ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। सुमित ने लिखा, अनबिलीवेबल ड्रॉप इन इवनिंग एंड नाइट शोज फॉर गोल्ड एंड सत्यमेव जयते एज बोथ कलेक्टेड बिलो 9 करोड़ नेट ऑन थर्सडे शॉकिंग। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के आजाद भारत में जीते गए पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की कहानी दिखाने वाली ये फिल्म देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। अक्षय कुमार इस फिल्म में हॉकी टीम के कोच तपन दास की भूमिका में है। रीमा गाती के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिस्पांस मिला है। फिल्म देखना तो अभी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि गोल्ड आने वाले दिनों में कोई कमाल दिखा पाती है या नहीं।